खबर उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद से आ रही है। आपको बता दें वाराणसी में इटली राउंड के टेबल 278 की ओर से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौघाट में तैयारी 50 बेडों का नया वार्ड का सोमवार को प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। यह वार्ड कोरोना पीड़ितों के लिए खोला गया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वार्ड खुलने से अपने शहर में भर्ती लोगों के लिए बेडों की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए सरकार तो लड़ ही रही है, समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने राउंड टेबल संस्था के सराहनी भी किया। उन्होंने कहा कि 70% लोगों को वैक्सीन लग जाता है तो हम लोगों को कोविड की तीसरी लहर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। वाराणसी इटली राउंड टेबल 278 के चेयरमैन अमित मोदी ने बताया कि इस वार्ड में 20% बेड बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने की आशंका के मद्देनजर रखते हुए युवाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था वाराणसी इटली राउंड टेबल 278 के साथ वाराणसी इटली लेडीज 178 के सदस्यों ने इसे पुनीत कार्य में सहयोग किया। उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय प्रिंसिपल एवं सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीलम गुप्ता की विशेष रूप से सराहना किया। काले चौका घाट पर कोविड का सेंटर है। सेकेंड वेव में इस हॉस्पिटल ने काफ़ी लोगों की चिकित्सा किया। इसमें हमें जो विधायक फंड से भी करीब 70 लाख रुपए के इक्विपमेंट यहाँ आए। हर वेव के कोविड में जो मरीजों का रिकवरी था वो थोड़ा 100% था। आज राउंड टेबल जो समाज की बड़ी संस्था है उन्होंने अपने लिए अपने तरफ से राउंड टेबल अस्पताल तैयार किया। उन्होंने इस अस्पताल में तीन वार्ड, एक महिला जनरल और एक बच्चों के वार्ड के लिए पूरी इक्विपमेंट बेड से लेकर के सारे उसके बिस्तर से लेकर सब कुछ 50 बेड का सारा इक्विपमेंट यहाँ पर डोनेट किया है। राउंड टेबल का मानना है कि तीसरा वेव के लिए समाज के लिए हमें करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर नीलम जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनकी पूरी टीम को एक अच्छा और भी सहयोग मिल गया है। सरकार दे रही है, विधायक परिषद दिया गया है, अब राउंड टेबल की टीम ने भी यहाँ पर दान किया है। तीसरे वेव को हम लोग हराएंगे। जिसमें बच्चे यहाँ रहेंगे, उनकी फैमिली रहने की व्यवस्था नहीं हुई है। जब किसी हॉस्पिटल में अगर बच्चे का बार बार होता है तो उनके फैमिली के उनके अटेंडेंस वालों के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौका घाट। आज मैं बहुत आभारी हूँ राउंड टेबल संस्था की कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए 50 बेड विद मैट्रेस सेमी फाउलर बेड दिए हैं और उसके साथ 50 आईवी स्टैंड है, 5 बाईपैप मशीन है और वो मल्टीपैरा 5 मॉनिटर्स हैं और 2 सक्शन मशीन है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, मेडिसिन ट्रॉली है। और उन्होंने ये तीसरी लहर से की तैयारी के लिए हमारी संस्था को ये दिया है उन्होंने, जिसके लिए हमारी संस्था और हमारे सभी कर्मचारी डॉक्टर्स सभी उसके लिए तैयार हैं। और इन चीज़ों की थोड़ी सी यहाँ पर कमी थी तो इन लोगों ने ये पूरी कर दी है और मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी की, रविंद्र जायसवाल जी। बच्चों की सुविधा के लिए यहाँ पर अभी पीडियाट्रिक वार्ड जो 20%, जैसा कि कहा गया है कि 50 में से 20% जो है हमने बेड पीडियाट्रिक वार्ड भी बनाया है और आवश्यकता पड़ने पर जब तीसरी लहर पर उसको हम लोग शुरू भी करेंगे। और जैसे अगर बच्चे आएंगे उनके पेरेंट्स की भी मैं पूरी सुविधा का प्रयास करूंगी कि उनको भी कोई परेशानी ना हो जब उनके पेरेंट्स भी रहें, क्योंकि कुछ बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तो उनके पेरेंट्स की भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कोई भी परेशानी ना हो। और आज लगभग 40 लाख रुपीज़ के करीब इन लोगों ने सारा सामान हमारे यहाँ दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनके लिए माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और उनका हमेशा से सहयोग रहता है और उन्होंने अपने फंड से हमारे महाविद्यालय को
लगभग 58,72,000 रुपए दिए हैं, उसके लिए मैं उनको अलग से फिर से बुलाऊंगी। उसमें कुछ सामान नहीं आया है, अभी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई है। इन्होंने हमको 5 HFNC मशीन और यहाँ के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर और हमारे यहाँ जो एक्सरे मशीन है उसको डिजिटल करवाया गया है और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए, और मैंने ये उनके पास प्रस्ताव रखा। उन्होंने बेझिझक उन्होंने कहा कि अपने विधायक निधि से उन्होंने तुरंत हमारे महाविद्यालय, इससे पहले भी हमारे महाविद्यालय में उनका बहुत सहयोग रहता है, और जिससे कि हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और मेरा ये उद्देश्य यही है कि हमारी संस्था में हर वो चीज़ रहे जो एक आम जनता को प्रभावी करे, और अल्ट्रासाउंड की हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता है। इसमें हमारे प्रशासन की भी बहुत हेल्प मिल रही है, DM सर से भी मैंने बोला है, क्योंकि वो PNDT एक्ट के तहत आता है और हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट अटैच हो गया है, और सोमवार और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होगा। बहुत जल्दी इसकी सुविधा मिलने वाली है।